आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस लिस्ट में आपका नाम होगा तो सरकार की तरफ से जो फ्री सिलेंडर दिया जाता है वो आपको भी दिया जाएगा। तो लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, इसके लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आपको जो है ये साइट ओपन करनी होगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। अगर लिस्ट में आपका नाम हैगा तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। हम जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं अभी जो मेरी स्क्रीन पर पेज ओपन है, इसका लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माय भारत गैस, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है सर्च उज्ज्वला बेनिफिक्शरी। तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट देखने को मिलता है स्टेट, यानी जो भी आपका राज्य है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके आपका जो भी स्टेट है, राज्य है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप देखेंगे सभी स्टेट यानी राज्य के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप जिस भी स्टेट यानी राज्य के हैं तो आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अभी जो है मैं अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। इस तरीके से हमने अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से देख लेना है डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका ज़िला लगता है। आप देखेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, आपका जो भी ज़िला लगता है आपको अपने ज़िले पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट पे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको देख लेना है काफ़ी सारे यहाँ पर नाम आ जाते हैं आपके स्टेट में, जो आपका राज्य है उसमें काफ़ी सारे जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आपका जो ज़िला है वो सर्च कर लेना है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे जो है अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड है, ये कैप्चा कोड जिसको हम बोलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको आप इस तरीके से रिफ्रेश, अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिफ्रेश करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिफ्रेश करके चेंज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर ये जो कोड है एंटर कर देना है। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ पर जो है कोड को एंटर कर देते हैं। ये जो कोड आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, सही कोड एंटर करना है, अगर गलत होगा तो ये आपको दोबारा से फिर फिल करना होगा। तो अभी यहाँ पे जो है हम इसको सही तरीके से फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, हमने यहाँ पे पूरी डिटेल अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है और कैप्चा कोड यानी सिक्योरिटी कोड एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये सबमिट के ऑप्शन पर इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिख के आ रहा है उज्ज्वला बेनिफिक्शरी लिस्ट ऑफ, यहाँ पे हमारा जो ज़िला है और स्टेट है, स्टेट का नाम आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपको देखने को मिलता है बेनिफिक्शरी नेम, और यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन और नेम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है, आप जो भी आपने ज़िला चुना है, आपके स्टेट में जो भी ज़िला है, आपके ज़िले में आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों के यहाँ पर नाम देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लिस्ट है, यहाँ पर 71,139 लोगों की जो यहाँ पर लिस्ट है। तो आपको यहाँ पे जो है पेज चेंज करके देखना है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट करके, तो आपको अपना नाम यहाँ पे इस तरीके से चेक करते जाना है। आपको यहाँ पे देख लेना आपका नाम है बेनिफिशियरी नेम में, और आपको यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम देख लेना है। और यहाँ पे अगर आपको नाम नहीं दिख रहा है तो आपको नेक्स्ट करते जाना है। आपको थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो आपको ये एक एक करके ही आगे बढ़ा के देखना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये अभी 5वें पेज पर आ गया है। इस तरीके से आप देखेंगे छठवें पेज पे आ गया है। तो आपको भी जो है यहाँ पे इस तरीके से एक एक पेज करके आगे बढ़ाना होगा और अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपका नाम है तो कमेंट में आप हमको बताइए, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।